This is the frontal bone of the skull. This is the frontal bone of skull. It has of ox. It has four parts: body, cornus, corneal process, orbito, temporo-orbital plate, and supra-orbital process. First of all, we will discuss about the body. Body has two surfaces: external surface and the internal surface. First of all, the external surface. The external surface of the body, यहाँ पे basically दिखेगा एक तो borders. इसके चार borders होते हैं. इसमें इसमें गए. जो body है, और external surface body जो है, उसके पास एक तो external surface होगा और एक internal surface होगा. Plus इसके चार borders होंगे: dorsal border, ventral border, lateral border और medial border. सबसे पहले इसका एक्सटर्नल सरफेस. एक्सटर्नल सरफेस पे यहाँ पे इसकी लेटरल साइड पे हमें दिखेगा एक ग्रूव, जिसे बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव. सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव में दिखेगा सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन, जो कि खुलेगा ऑर्बिट में जाके यहाँ पे. और सुप्रा ऑर्बिटल फोरमेन थ्रू द सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल. उसके बाद ये हो गया. फिर उसके बाद फ्रंटल वेन. नहीं, और भी इसके बता रहा हूँ. इसमें पास करेगी फ्रंटल वेन. लाइव एनिमल में जो हमारे पास जो एक्सटर्नल सरफेस है, वहाँ पे फ्रंटलिस मसल्स लॉज करती हैं. फिर उसके बाद फ्रंटल बॉस. फ्रंटल बॉस जो है, वो स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो कि यहीं पे ना बिटवीन बिटवीन द सुप्रा ऑर्बिटल ग्रूव एंड द बेस ऑफ द या फिर रूट ऑफ द सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद एक्सटर्नल सरफेस में इतना ही है. अब इंटरनल सरफेस. इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी ये फॉर्म करता है बाय द क्रेनियल प्लेट, बाय द नेजल प्लेट, और इनके जंक्शन पे होता है क्रिस्टा गिलाई. क्रिस्टा गिलाई पे लॉज करते हैं फॉक्स सेरिब्राई ऑफ ड्यूरामेटर. ठीक है, ये डन हो गया. उसके बाद इसका बॉर्डर्स. सबसे पहले डॉर्सल बॉर्डर हो गया ना. साइनस नहीं, वो मीडियल बॉर्डर होता है. मीडियल बॉर्डर में कवर इंटरनल. सबसे पहले डॉर्सल बॉर्डर. डॉर्सल बॉर्डर जो है, वहाँ पे जब दो कॉरस्पॉन्डिंग बोन्स जुड़ती हैं आपस में, तो एक बनती है एमिनेंस, जिसे बोलते हैं हम टॉरस फ्रंटलिस. टॉरस फ्रंटलिस के बिलो हम देखेंगे तो दो एमिनेंसेस और दिखेंगे, जिसे बोलते हैं न्यूकल एमिनेंसेस. और न्यूकल एमिनेंसेस और पैराइटल बोन के बीच में एक लाइन होती है, जिसे बोलते हैं न्यूकल क्रेस्ट या न्यूकल लाइन. ठीक है. उसके बाद अब इसका मीडियल बॉर्डर. मीडियल बॉर्डर जब हम देखते हैं, तो मीडियल बॉर्डर पे जब दो कॉरस्पॉन्डिंग बोन्स आपस में जुड़ती हैं, तो यहाँ पे बनती है एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रंटल एमिनेंस और इंटरनल फ्रंटल एमिनेंस. इसके बीच में साइनसेस होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम फ्रंटल साइनस, जो कि खुलते हैं कॉर्नस कॉर्नल प्रोसेस में. ठीक है. अब लेटरल बॉर्डर. लेटरल बॉर्डर में लेटरल बॉर्डर तीन क्रेस्ट से मिलके बनता है. एक तो टेम्पोरल क्रेस्ट. अब एक चीज़ और बता रही हूँ, इसको फ्रंटल क्रेस्ट भी बोलते हैं. ठीक है. टेम्पोरल को ही फ्रंटल क्रेस्ट बोलते हैं. ऑर्बिटल क्रेस्ट और लैक्राइनल क्रेस्ट. लैक्राइनल क्रेस्ट शॉर्टेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट होता है, एंड इट इज़ ओवरलैप्ड बाय द लैक्राइनल बोन. और जो लार्जेस्ट होता है, वो होता है टेम्पोरल क्रेस्ट. टेम्पोरल क्रेस्ट और ऑर्बिटल क्रेस्ट के जंक्शन पे बनता है सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस. इस सुप्रा ऑर्बिटल प्रोसेस के रूट पे के बिहाइंड जब हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक दिखेगा स्ट्रक्चर, से बोलते हैं फोविया ट्रोक्लियरिस. दिस वन फोविया ट्रोक्लियरिस. और यहीं पर होती है लैक्राइमल ग्लैंड. ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉर्डर. हाँ, वेंट्रल बॉर्डर. वेंट्रल बॉर्डर सिर्फ एक नॉच की फॉर्म में होता है, जहाँ पे नेजल बोन का डॉर्सल पार्ट जो है आगे जुड़ता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है लेटरल बॉर्डर में. एक और चीज़ होती है, वो होती है हमारे पास टेम्पोरल ऑर्बिटल प्लेट. जो ये प्लेट है, ये है टेम्पोरल प्लेट, ये है ऑर्बिटल प्लेट, और ये पूरे मिलके बनाती है टेम्पोरो ऑर्बिटल प्लेट, जिसके बीच में एक स्विचर होता है, जिसे बोलते हैं स्फीनॉइड स्विचर. स्फीनॉइडल स्विचर. उसके बाद यहाँ पे ये है कॉर्नियल प्रोसेस,
कॉर्नियल प्रोसेस में जो फ्रंटल साइनस है वो कंटिन्यू करती है, जो कि डिवाइडेड होती है बाय द सेप्टस, और यहाँ पे जो एक्सटर्नली ये ओवरलैप होता है बाय द हॉर्न कोरियम, और यहाँ पे इसके ये दिस इज द नेक ऑफ द कॉर्नियल प्रोसेस कंस्ट्रक्टेड पार्ट, और यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं फॉर द ब्लड वेसल्स.